हमने कल पढ़ा कितनी क्वांटिटी में आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इंट्रा सेलुलर फ्लूड में या एक्सट्रा सेलोलर फ्लूड में प्रेजेंट होते हैं आज हम करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेंशियल में क्या है कि न्यूरॉन कम्युनिकेशन बेसिकली न्यूरॉन जैसा कि हमने कल स्टडी किया था न्यूरोन बेसिंग जो है वर्किंग यूनिट ऑफ सेल है जो कि नर्व या एक्शन पोटेंशियल को स्टिमुलस करता है उनको स्टिमुलेट करता है इसकी वजह से इसकी एक्टिवनेस की वजह से जो नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल होता है वो सेल के अंदर एक्टिवेट होता है जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल उसका जो पोटेंशियल है वो सेल के अंदर वो वर्किंग पोजिशन में आता है अब क्या है ये न्यूरॉन ये स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि डिजाइन किया गया है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए टू द अदर नर्व सेल्स या फिर मसल सेल्स या फिर ग्लैंड सेल्स यानी के न्यूरॉन इज द बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ ब्रेन विच इज स्पेशाइज सेल डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल्स मसल और ग्लैंड सेल्स ठीक है अब द की टू दिस नर्व इंपल्स यानी कि ये जो न्यूरॉन्स के अंदर नर्व इम्पल्स आती है उसकी जो की है वो क्या है न्यूरॉन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब न्यूरॉन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो आइंस एक्सचेंज वगैरह होंगे उसके बाद उसकी जो नर्व इम्पल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी अब जो है चेंजेस इन मेम्ब्रेन परमिबिलिटी एंड द सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ आइंस प्रोड्यूस नर्व इम्पल्स यानी कि मेम्ब्रेन परमिबिलिटी मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन कैसे परमेबिलिटी अपनी चेंज करती है जब वो आयंस को गेटवे देती है आयंस को टेक इन करती है आयंस के लिए जब वो बैरियर का एक जो रास्ता है उसके उसके तरह एक्ट करती है तो वो अपनी परमेबिलिटी जो है वो चेंज करती है एक सेल होता है रेस्टिंग फेज में मतलब कोई आयंस की कोई भी कंसंट्रेशन ना आयंस ने बाहर जाना है ना आयंस ने अंदर आना है तो वो जो है उस तरह वो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी सेम है जैसे कि फिक्स एक लेकिन जब सेल ने वर्किंग करनी है सेल ने अपने जो है आइंस को एक्सचेंज करना है तब मेम्ब्रेन जो है वो अपनी परमेबिलिटी चेंज करती है एंड एंडसिक्वेंट मूवमेंट ऑफ आइंस प्रोड्यूस यानी कि नर्व इंपल्स नर्व इंपल्स कैसे प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है जब जो आइन्स हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव जो आइंस हैं वो मूवमेंट एक्सचेंज करती हैं आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल अब वो कैसे इनसाइड द सेल करते हैं थ्रू डेंड्राइड सेल बॉडी एंड ऑफ़ इनके एग्जोन सेल बॉडी या फिर एग्जो की तरह अब हम देखते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है जब अगर मैं डेंड्राइट्स के बारे में आपको बताऊं तो डेंड्राइट्स जो है ये न्यूरॉन्स की स्पेशल प्रोजेक्शन हैं डेंडराइड्स एंड एग्जो जो डेंडरइड्स हैं दे ब्रिंग इन्फॉर्मेशन टू द सेल बॉडी इनके एक सेल बॉडी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे और एग्जोन जो है ये सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे द डिफरेंस बिटवीन डेंडराइड्स एंड एग्जो इज दैट कि डेंडराइड्स सेल बॉडी एक सेल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे और जो एग्जोन हैं वो उस सेल से इंफॉर्मेशन लेके बाहर जाएंगे ठीक है ये डेंड्राइट्स और एक्सोन्स का जो है ये डिफरेंस है और जो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाती है उसको क्या कहते हैं सैनेपिस अब हम देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है ये बेसिकली न्यूरॉन से कनेक्टेड है क्योंकि हर सेल के अंदर उसका अपना न्यूरॉन जो होता है क्योंकि सेल्स कैसे जुड़े होते हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के साथ न्यूरॉन्स पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स फैली होती हैं हर सेल जो कि हेड टू टो जितने भी सेल्स हैं उनको न्यूरोस मिलेंगे उनके अंदर एक्टिव एक्शन पोटेंशियल होगा उनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा नर्व इम्पल्स मिलेंगी तभी तो वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकेंगे अब जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये क्या है जो रेस्टिंग न्यूरॉन है इज नॉट कंडक्टिंग अ नर्व इम्पल्स यानी कि जो रेस्टिंग न्यूरॉन होता है रेस्ट रेस्ट मीन मतलब अपनी जगह पे स्टॉप हो जाना या रेस्टिंग पोजीशन में आ जाना ठीक है रेस्टिंग न्यूरॉन जो होता है वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता इस तरह आगे एक होता है एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसके अंदर फिर जो होता है नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है कंडक्ट होती है

द फ्लूड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेब्रेन मतलब जो बाहर इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो फ्लूड है वो क्या करेगा इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिवली चार्ज फ्लूड आउट साइड द मेब्रेन आउट साइड द मेम्ब्रेन सेल मेंब्रेन की जो इन रेस्टिंग पोजिशन में जो रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल है उसमें जो इनर साइड ऑफ द मेमब्रेन है उस वो उसमें जो आइन्स हैं वो कौन से हैं? हैं 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 नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड चार्ज्ड चार्ज्ड। के अंदर जो वो जो वो जो वो वो बाहर आउटर साइड पे पॉजिटिवली है इन इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन इन साइड एंड आउट साइड ऑफ द सेल एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू द ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आइन्स यानी के uh, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है इन साइड एंड आउट साइड ऑफ द मेमब्रेन ये किस वजह से है ये इन साइड एंड आउट साइड ऑफ द जो फ्लूड है जो मेमब्रेन है उसकी उसके अंदर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आइंस है उनकी वजह से हैं और जो परमेबिल और खासतौर पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आइंस की परमेबिलिटी है ये उसकी वजह से है आ, uh, मेरी आवाज नहीं सही आ रही अच्छा आप समझ आ गई आपको difference, और ये जो डिफरेंस है ना मैम जी सही आ रही है आवाज आ रही है मैम जी ओके okay. अब ये जो डिफरेंस इन चार्ज है यानी कि जो अच्छा जो डिफरेंस इन चार्ज है वो क्या कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अब मैं दोबारा आपसे पता, आपको बताती हूँ कि ये रेस्टिंग है वो क्या यूरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं ठीक है एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे क्या होते हैं पॉजिटिव चार्जेस होते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं यानी कि ये आइंस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन ये किस वजह से आते हैं यानी कि अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है बाहर और पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस वजह से है वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं जो अंदर बाहर फ्लूड के होते हैं मेम्ब्रेन के होते हैं उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो प्रोड्यूस होते हैं और स्पेशली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को मेंटेन करते हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं ये प्रोड्यूस होते हैं जो ये डिफरेंस इन चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्जेस का जो डिफरेंस है अंदर और बाहर आइंस का डिफरेंस है ये चार्जेस जो हैं उनका डिफरेंस है वो क्या कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ऑल सेल्स जो होते हैं उन सबके पास ही रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल होता है लेकिन जो न्यूरॉन्स और मसल सेल्स होते हैं ये ट्रांसमिट इसको ट्रांसमिट करते रहते हैं यानी कि इन सेल्स को जो है इन चार्जेस को कंटिन्यूसली ये एक दूसरे सेल्स के अंदर ट्रांसमिट करते रहते हैं ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं और फिर ये जो साइकिल है ये इस तरह इनका चलता रहता है

एक्ट जो क्वांटिटी होती है उसका आइडिया नहीं होता इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इनके किस जगह पे कितनी क्वांटिटी में कौन सा चार्ज मौजूद है किसी जगह पे ज्यादा चार्ज मौजूद है किसी जगह पे कम चार्ज मौजूद है अब जो सोडियम आइन्स है जो सोडियम पॉजिटिव आइन्स हैं ये आर हाईली कंसेंट्रेटेड इन द फ्लू आउटसाइड द प्लाज्मा ठीक है ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम और जो कैल्शियम uh, आइन्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है कंसनट्रेशन होती है यानी कि वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड पे किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और नेगेटिव प्रोटीन आइंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी अब जो सोडियम और पोटेशियम आइन्स हैं ये कॉन्स्टेंटली ये जो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होते रहते हैं सबसे पहले ये इस पिक्चर में हम देखते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये देखें कि पिक्चर ए में वॉल्टियर मीटर जो है उसने क्या किया डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ये एक इलेक्ट्रोड है ये दो टू व्हेन वन माइक्रो इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इनसाइड अ न्यूरॉन एट रेस्ट एंड वन इज प्लेस्ड आउटसाइड ठीक है आउटर कौन से है? है. एक इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आउटर साइड पे प्लेस किया गया है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो इनर साइड पे प्लेस किया गया है जब एक यानी कि इस न्यूरोन के एक अंदर जो माइक्रो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जरिए चेक किया गया तो वो कितना था जो कि हर एक सेल का होना चाहिए माइनस मिलीवोल्ट रेलेटिव टू द आउट साइड अब सेकेंड वाले में देखते हैं कि इन एट रेस्ट सोडियम जो है वो मोर कंसेंट्रेटेड है जो आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जबकि जो पोटेशियम है वो इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेंटेड है और ये जो है इस तरह ये जो कंडीशन होती है न्यूरॉन की वो पोलराइज होती है और ये रेस्टिंग कंडीशन होती है ये जब इनर साइड पे पोटेशियम की ज्यादा हो और आउटर साइड पे जो है है वो सोडियम की ज्यादा हो अब आ जाते हैं हम सोडियम और पोटेशियम आइंस की तरफ कि जो सोडियम एंड पोटेशियम आइंस हैं ये क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली डिफ्यूज थ्रू आइन कि कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कॉन्स्टेंटली जरिए इन द प्लाज्मा में ब्रेन अगर जरा सा सोडियम आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो अंदर चली गई है सेल के अंदर फ्लूड के जरिए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सोडियम को बाहर निकाल मूविंग फ्रॉम ऑफ हायर कंसन टू रीजन कंसन अगर हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर यानी कि अगर सोडियम uh, जो आइन्स है उनका क्या काम है उन्होंने बाहर रहना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो सोडियम आइंस है वो क्या करते हैं वो बाहर रहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में और सिस्टम आ जाता है अब जो सोडियम आइन्स हैं उन्होंने बाहर रहना है है में outside of the plasma membrane. तो जो plasma membrane है, वो constantly उनके लिए पर करेगी मतलब टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन यानी कि उनको सोडियम आइन्स को उनके रीजन में लेके जाएगी लेकिन जो पोटेशियम माइन्स है उनको अब उनके इन साइड ऑफ द सेल के रीजन में लेके जाएगी अब जो है अ कहते हैं कि देर आर ऑल्सो लार्जर क्लोरिन आइंस जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सोडियम और क्लोरीन आइन्स जो होते हैं वो बाइट प्रेजेंट होते हैं एंड ह्यूज नेगेटिव प्रोटीन आइंस यूच कैन नॉट मूव इजिली फ्रॉम द इन साइड ऑफ दूर टू द आउट साइड इनके कुछ जो, हैं larger जो, ions, जो है लार्जर जो क्लोरिन क्लोरिन आइन स्मॉलर भी होते हैं क्लोरिन वो लार्जर भी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इन साइड ऑफ द न्यू वो और कुछ जो नेगेटिव ह्यूज के बड़े पार्टिकल्स होते हैं बड़े आइंस होते हैं जिनकी जो होती है वो इजिली एक न्यूरॉन से बाहर डिफ्यूज नहीं हो सकते उसकी मेम्ब्रेन के जरिए तो वो क्या करते हैं uh, मतलब दैट कैन नॉट बी इजिली गो आउटसाइड फ्रॉम द न्यूरोन ठीक है अब हावर जो कंसंट्रेशन होती है सोडियम और पोटेशियम आइंस की ऑन द टू साइड्स ऑफ रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एस पंप अब सोडियम और जो है इस, इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है आयन चैनल एंड द सोडियम पोटेशियम पंप ये है गेट चैनल फॉर आइंस और ये ओपन चैनल फॉर आइंस यानी कि एक से चैन जो आइंस हैं वो इनर साइड पे जाएंगे और एक से आइंस जो हैं वो आउटर साइड पे आएंगे अब ये सोडियम पोटेशियम पंप है के सोडियम पोटेशियम पंप कैसे है कि इस इस पंप के जरिए जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होगा तो सोडियम जो है वो बाहर आएगा और पोटेशियम जो है वो अंदर जाएगा एक्शन मेम्ब्रेन में इसके टोटली totally ऑपोजिट हो जाता है ये वैसे ये जो सारी सरफेस है ये जमीन एक इसकी जो बनी हुई है वो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल है वहां से जो है

जो, और जो कुछ चैनल्स होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं इनके उनके अंदर से जो हो होती हैं प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो इजीली पास आउट हो जाती हैं इजीली पास इन हो जाती हैं और कुछ जो होते हैं वो गेटेड चैनल्स होते हैं यानी कि उनके लिए सेल को पहले या, एक जो जैसे कहते हैं एक परमिशन पहले सेल को अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ता है अच्छा जो गेट ओपन और क्लोज चैनल डिपेंड ऑन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरोन की ये उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं सोडियम आइंस या पोटेशियम आइंस के लिए अच्छा अब ये जैसे हम देखें कि जो है कंसंट्रेशन uh, जो होती है सोडियम और पोटेशियम आइंस की ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन रिमेन कॉन्स्टेंट क्यों क्योंकि अगर कोई ज्यादा एक्सेस में हो जाएगी इन साइड ऑफ द सेल सेल के ब्रस्ट होने का खतरा है अगर आउटसाइड ऑफ द सेल हो जाएगी ज्यादा कंसेंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा कंसंट्रेशन होगी Obviously, वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आइंस जो है वो जाना स्टार्ट कर देंगे अब ये क्या होती है रिमेन कॉन्स्टेंट होती है कैसे बाय द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप यानी कि विच इज पावर्ड बाय एटीपी एटीपी की वजह से ये जो पंप है ये सोडियम पोटेशियम का ये जो पंप है ये जो वही हमने ऊपर देखा था इसको एटीपी जो है वो इनकाउंटर करती है स्टिमुलेट करती है वो पावर्ड करती है अच्छा जो पंप है एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल एक्शन में रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल में क्या है ये जो पंप है एक्टिवली जो है सोडियम और आइंस uh, जो है उनको इन साइड ऑफ द सेल जो है वो लेके जाता है और वो है आउटसाइड ऑफ द सेल ये बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन ये ट्वेंटी ये इस फिगर के अंदर ये एक मेम्ब्रेन जो बनाई गई है, है ये आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये न्यूरॉन की अब ये जो पोटेशियम आइंस जो हैं ये जो यहाँ यहाँ पे आपको ये के का साइन नजर आ रहा है ये क्या कर रहा है ये आगे इन इन सेल की इनर पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि नहीं दिखाया गया वैसे ये आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही शो हो रही है अब ये क्या करते हैं कि सोडियम आइंस जैसे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये सोडियम पोटेशियम के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है वहां से ये बाहर जाएगा आउटसाइड ऑफ द सेल और जो पोटेशियम है वो इन साइड ऑफ द सेल आ रहा है अब क्या करते हैं कि पंप जो है वो मूव करता है सोडियम आइंस को आउटसाइड ऑफ द सेल और पोटेशियम आइंस को क्या करता है इन साइड ऑफ द सेल जो है वो मूव करता है बिकॉज अगर ये क्या करेगा थ्री थ्री जो है सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको करेगा आउटसाइड ऑफ द सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर करेगा थ्री सोडियम मॉलिक्यूल्स को तो जो हर बार थ्री करने के बाद जो टू पोटेशियम मॉलिक्यूल्स है वो मूव इन होंगे यानी कि सोडियम जो है वो क्या होंगे थ्री सोडियम मॉलिक्यूल्स आउटसाइड जाएंगे ठीक है और जो पोटेशियम है वो टू आएंगे अंदर दैट इट मतलब

मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कैसे कि एक ने अंदर जाना है एक ने बाहर जाना है डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अब जो प्रेशर माइंड है आ, आ, ये जो होते हैं ये इजीली जो है वो आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन वो मूव कर जाते हैं ऊपर वाली फिगर में देखा था माइनस सेवनटी मिली वॉल्ट उसके वो, वोल्ट मीटर से डिटेक्ट करें तो अगर आइंस की कंसेंट्रेशन जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में उसकी माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट होती है अब आगे आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन चेंजिंग द रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल इंटू द एक्शन पोटेंशियल की तरफ किस तरह न्यूरोन ने सेल की जो मेम्ब्रेन है या सेल का जो, जो है उसका इनर फंक्शन उसको कैसे चेंज किया चेंजिंग द रेस्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेमब्रेन ये क्या है ये नर्व इम्पल्स के लिए की फैक्टर है उसका और अस्टिमुलस जैसे है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट एन इम्पल्स इज कार्ड थ्रेस होल्ड इन स्टिमुलस इनके वो स्टिमुलस जो कि एक नर्व इम्पल्स को डायरेक्ट डिटेक्ट uh, करता है जो एक नर्व इम्पल्स को स्टिमुलस उसको फेस uh, करता है उसको डिटेक्ट करता है उस स्टिमुलस का नाम क्या है थ्रे शोल्ड स्टिमुलस और ये जब ये स्टिमुलस है ये uh, होता है अप्लाई करता है अलोंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि रेस्टिंग प्लाज्मा रेस्टिंग पोजीशन में जब सेल होता है रेस्टिंग मेमब्रेन पोटेंशियल में तो ये जो स्टिमुलस है ये क्या करता है ये uh, जो है सोडियम आइंस की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है पर मेबी प्लाज्मा मेमब्रेन के बाहर ठीक है द इनफ्लो ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम जो है वो काज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू गो फ्राम माइनस जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल में जब किसी चीज ने आना है तो ये जो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस है ये फ्लो जो है पॉजिटिवली चार्ज ये जो सोडियम आइंस हैं ये क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो उसकी मिली वोल्ट होते हैं उसको क्या करते जाए जो उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनको माइनस सेवेंटी मिली से बिल्कुल जीरो कर देता है क्योंकि एक सेल ने एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है उसने रेस्टिंग मेम्ब्रेन से आना होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में दिस लॉस इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होती है कि जब सोडियम माइंस जो होते हैं वो क्या कर देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो पोटेंशियल को माइनस सेवेंटी मिली वॉल्ट से जीरो कर देते हैं कैसे थ्रू द थ्रेश होल्ड स्टिमुलस वोल्टेज गेटेड चैनल्स या सोडियम चैनल्स जो होते हैं ये जो कि मेम्ब्रेन के, के बाहर लगे होते हैं सोडियम चैनल्स या पोटेशियम चैनल्स लेकिन इनमें जो सोडियम चैनल्स हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू चेंजेस इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्विकली क्विकली ओपन एंड और जब ये अपने आप को एक्टिव करते हैं जो, जो है वो से हो जाता है और प्लाज्मा uh, चले जाते हैं और इन साइड ऑफ द न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन ही की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो न्यूरॉन के अंदर जो होते हैं फिर पोटेशियम आइंस के बजाय जो सोडियम आइन्स है उनकी कंसनट्रेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है ये एक शॉर्ट Uh, जो है विद इन गेट होता होते है पहले जो होगा सोडियम के चैनल ओपन हो गए सोडियम अंदर जाएगा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो पोटेशियम जो है वो क्या करेंगे बाहर को मूव करेंगे जब सोडियम चैनल पहले नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन ही ज्यादा है क्योंकि वो रेस्टिंग मेम्रेन में है तो जो पोटेशियम हैं उन्होंने बाहर नहीं निकलना जबकि उनको उनको कोई पुशअप ना मिले सोडियम आइंस की तरफ से जब सोडियम आइंस का गेट चैनल जो है वो खुलेगा उस गेट के अंदर से उस, उस चैनल के अंदर से पोटेशियम आइंस बाहर नहीं निकल सकते वो सिर्फ अपने चैनल में से निकलेंगे वो क्या करेगा पोटेंशियल सोडियम जो है वो अपने चैनल्स के जरिए अंदर जाएगा उसकी कंसेंट्रेशन अंदर जब ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियली पोटेशियम के लिए अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा वो क्या करेंगे वो अपना गेट ओपन करेंगे और उस गेट के जरिए जो पोटेशियम आइंस हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेल चले जाएंगे और वहां पे जाके वो पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्टअ अप करेंगे जो पोटेशियम आइंस हैं और जो मेम्ब्रेन होगी वो रिपोलराइज हो जाएगी यानी कि पहले डीपोलराइजेशन थी

Uh, मेरी आवाज कम आ रही है वो क्या करती है मूव एक्सोन यानी कि एक्सोन के जरिए डेंडराइट्स डेंडराइट्स इनसाइड ऑफ द सेल लेके जाते हैं और जो एक्जोन होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द सेल बॉडी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं तो ये जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन होती है ये जब आती है तो एक्शन पोटेंशियल ये काज करते हैं ओवरऑल जो होती है के वही जरिए ये action potential है इसने अपने आप को आपको maintain करना होता है ओके okay. अभी सही आ रही है अच्छा अब हर एक्शन पोटेंशियल के बाद जो है एक टाइम इंटरवल आता है जो कि अब हर एक्शन पोटेंशियल के साथ एक टाइम इंटरवल आता है जो कि नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जब होता है उसके लिए एक डिफिकल्ट पाथवे करता है क्यों क्योंकि एक दफ़ा जो होती है मेम्ब्रेन वो डिपोलराइज हो जाती है दूसरी दफा मेम्ब्रेन फिर क्या करती है रीपोलराइज होती है ठीक है जब इस तरह बार बार मेम्ब्रेन होगी होगी तो वो क्या हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन होगी यानी कि जो अंदर नेगेटिव चार्जेस होना शुरू हो जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे मोर नेगेटिव देन माइनस सेवेंटी मिली यानी कि माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट से जो उसका नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा क्यों क्योंकि जो लार्जर नंबर ऑफ पोटेशियम आइंस थे वो उन्होंने जल्दी से अपने आप को बाहर की साइड पे ले गए थे क्यों क्योंकि एक्शन पोटेंशियल में सोडियम जो होते हैं वो अंदर से ज्यादा हो जाते हैं और पोटेशियम आइंस बाहर ज्यादा हो जाते हैं हाइपरपोलराइज़ेशन अक्सर कब होती है जब एक एक दफा एक्शन पोटेंशियल हो गया उसके बाद जो उसका टाइम इंटरवल है जैन अब सबको आवाज आ रही है आई थिंक अब एक दफा जो है उसका पोटेशियम आइंस जो है वो रश कर गए एक्शन पोटेंशियल हुआ अब उसके बाद एक टाइम इंटरवल आया अब जब दूसरी दफा एक्शन पोटेंशियल होनी है तो वो क्या करेगा कि फोरन से डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन फिर दोबारा डिपोलराइजेशन होगी तो जो होंगे सेवेंटी वोल्ट से वो जो नेगेटिव आइंस है इन साइड ऑफ द सेल वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे मोर नेगेटिविटी होगी और माइनस सेवनटी मिली वॉल्स से इसका नंबर एक्सीड कर जाता है ये जो एक छोटा सा पीरियड है इसको इस पीरियड को जिसके अंदर ये एक्शन पोटेंशियल होता है इसका टाइम इंटरवल से ये हाइपर पोलराइजेशन अक्कर होती है ये इसको इस पीरियड को क्या कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड ठीक है अब जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड रेस्टिंग पोटेंशियल इज बींग स्टोर्ड एट द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इम्पल्स जस्ट पास नर्व इम्पल्स ने पास भी तो करना है ना अब इस पीरियड के दौरान क्योंकि अभी एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल चल रहा है तो वो क्या करती है जहाँ से इम्पल्स ने पास होना है वहाँ पे रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल जो होती है वो अपने आप को प्लेस करती है ताकि जो है जब एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जब न्यूरॉन जो है जब नर्व इम्पल्स जो है वो इंफॉर्मेशन uh, लेके जो एक्सॉन्स के जरिए दूसरे न्यूरॉन तक जाए दूसरे सेल तक जाए तब तक ये जो रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल होती है इसने आपने आपको uh, uh, जहां से इम्पल्स ने गुजरना होता है वहां पे अपने आप को प्लेस किया होता है इसके बाद जो होती है जो होता है वो रिपोलराइज होता है और रेडी टू ट्रांसमिट अनादर इम्पल्स रेडी टू ट्रांसमिट दोबारा से जो होता है वो उसका सेशन एक स्टार्ट होना होता है रेस्टिंग में पोटेंशियल से एक्शन में पोटेंशियल की तरफ फिर एक्शन में पोटेंशियल फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है न्यूरोइड अंदर से ले अंदर लेके जाते हैं जबकि एक्जोन जो एक्जो, होते हैं वो बाहर लेके जाते हैं हैं, वो इंफॉर्मेशन फिर वो नेक्स्ट जो उनके अंदर पास आउट होती है ठीक है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है जैन तो आप ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं अब जो है मिनिमम यानी थ्रेश होल्ड जो स्टिमुलस अब थ्रेश क्या है कि इसने क्या करना है नेसेसरी टू इनिशिएट यानी कि जब तक फ्रेश होल्ड स्टिमुलस नहीं आएगा एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा बट इंक्रीज इंक्रीज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी डज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल यानी कि अगर स्टिमुलस इंक्रीज हो या स्टिमुलस कम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्शन पोटेंशियल है उसके मैकेनिज्म को फास्ट कर देगा बस जो एक्शन पोटेंशियल का मैकेनिज्म स्टार्ट होना होता है वो किस वजह से किस स्टिमुलस की वजह से होता है वो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस की वजह से होता है अब जो है प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट एन एक्सोन विल फाइड एट फुल पावर और नॉट एट ऑल इज दल और ना इसको हम कल डिस्कस करेंगे अभी कोई क्वेश्चन है तो क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं